जय हिंद दोस्तों, विस्की टॉकर्स में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेज़बान अतुल बख्शी। आज मौसम बहुत बढ़िया दोस्तों, तो सोचा क्यों ना आपको कहीं आउटडोर ले जाया जाए और बाहर बैठकर ओपन एयर में आज गपशप मारेंगे और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक क्या रहेगा वो फिलहाल सरप्राइज रखते हैं, मगर जल्दी डिस्क्लोज करूँगा। तो चलिए आपको एक राइड पर भी लेके चलते हैं साथ में। तो दोस्तों ये है मेरा साथी जिसका नाम है बीस्ट और अच्छा होंडा शैडो, और इस पर आपको राइड पर लेकर चलेंगे दोस्तों। और मोटरसाइकिल में मेरी फेवरेट चीज़ है मेरा हेलमेट, जिस पर फर्स्ट गोरखा राइफल्स का इंसिग्निया बना है, जो कि मैंने खुद बनाया, हैंड पेंटेड है, फ्री हैंड ड्राइंग है। आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बट देखे जब आदमी दिल से कोई चीज़ बनाता है तो बनी जाती है, राइट? सो लेट्स फायर इट अप। और कुछ म्यूजिक भी हो जाए तो चलते हैं दोस्तों और डेस्टिनेशन पे बैठकर कुछ गपशप मारेंगे कहीं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं सेज पब बीच पर। बहुत ज्यादा विंडी आज, एज यू कैन सी रियली विंडी। दिस इज अवर रसोई लेक, सेम लेक जो हमने सर्दियों में देखी थी, दैट वाज फ्रोजन, रिमेंबर? तो या फिलहाल बहुत विंडी है और सनसेट अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा हमें दोस्तों। तो फिलहाल हम बातचीत करेंगे दोस्तों। मैंने सोचा कि एक सेकंड, लेट मी टर्न ऑफ द म्यूजिक प्लीज, थैंक यू। सो हमारी शौर्य गाथा जो कि हमने एक सेगमेंट शुरू किया था, उसकी अभी हमने एक ही पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने वी टॉक्ड अबाउट मेजर सोमनाथ शर्मा। तो दोस्तों उसी सेगमेंट को आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम बातचीत करेंगे एक और शूरवीर की, जिन्हें वीर परमवीर चक्र मिला था। ही वॉज द सेकेंड रेसिपियंट ऑफ द परमवीर चक्र। और आपने बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नौसेना के शेर जदुवीर सिंह जी की। जब बात जदुवीर सिंह जी की आती है तो देखिए, लोग उन्हें अक्सर जादूवीर सिंह भी बुलाते हैं और अक्सर मैंने उन्हें लोगों को यदुवीर सिंह जी के नाम से बुलाते हुए भी सुना है, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च कामयाब रही, मेरे हिसाब से उनका नाम यदुवीर सिंह था। अगर मुझे कुछ गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ करेक्ट मी। जब हम खड़ी बोली में बात करते हैं, जब यदुवीर की हम बात करते हैं खड़ी बोली में, तो वो ऑटोमेटिकली जदुवीर हो जाता है और इसीलिए उनका नाम जदुवीर सिंह था। बात सेम बैटल की है जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला था दोस्तों, 1948 की बैटल, जब कबायलियों ने, सो कॉल्ड कबायलीज, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी, ISI इन्वॉल्व थी, एंड पाकिस्तानी आर्मी वॉज डिसगाइज्ड एज कबायलीज। सो कबायलियों ने जो हमला किया था कश्मीर पे, उसके बाद कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और इंडिया का पार्ट बना। इंडिया ने बिना प्रेपरेशन के रिटेलिएट किया था कश्मीर को सेव करने के लिए, और आगे की स्टोरी हम बढ़ाते हैं दोस्तों। सो जदुवीर सिंह जी जो थे, उनका जो जन्म था वो 21 नवंबर 1916 को अपने उत्तर प्रदेश के खजूरी नाम के छोटे से गांव में हुआ था, और उनका जो परिवार था वो एक छोटा किसानी परिवार था। उनके पिताजी तो थे, वो छोटे लेवल के बड़े किसान थे, और उनके 8 बच्चे थे, जिनमें 6 लड़के और 2 लड़कियां थी, और यदुवीर सिंह जी जो थे उनका नंबर इसमें नंबर 2 था, सॉरी या ही वॉज द 3rd ऑफ द 8 चिल्ड्रन। तो यदुवीर सिंह जी जो थे उनकी पढ़ाई बहुत कम रही, क्योंकि घर में पैसे का अभाव था, वो लोग फाइनेंशियली बहुत वेल टू डू नहीं थे, तो इसके कारण उन्हें चौथी कक्षा में ही अपना स्कूल ड्रॉप ऑफ करना पड़ा और उनकी जो एजुकेशन हुई थी वो केवल चौथी कक्षा तक हुई थी। यदुवीर सिंह जी अपने गांव के खजूरी के बड़े नामी गिरामी रेसलर हुआ करते थे, एंड ही वॉज अ वेरी वेल बिल्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, और हनुमान भक्त थे, और उन्हें जो गांव के लोग थे वो उन्हें बाल ब्रह्मचारी हनुमान भक्त के नाम से बुलाया करते थे, हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी यदुवीर। तो, लेकिन जो गांव की स्त्रियां थी, जो गांव की नारियां थी,
वो यदुवीर सिंह जी पर जान छिड़कती थी बड़ी, क्योंकि यदुवीर सिंह जी बड़े हैंडसम गुड लुकिंग थे और ऊपर से रेसलर थे, अच्छी वेल बिल्ड थी, मगर वो अपने प्रण के बड़े पक्के थे और उन्होंने अपना ब्रह्मचारी जीवन का जो प्रण ले रखा था उस पर वो अडिग रहे बड़े। तो चूंकि वो एक रेसलर थे तो खाना पीना बहुत करते थे, मगर थे वो प्योर वेजिटेरियन क्योंकि वो हनुमान भक्त थे। तो किसी ने उन्हें बताया कि भाई अगर आप फौज में भर्ती हो जाते हैं तो फौज में आपको खाना भरपूर मिलेगा। तो इसी के चलते उन्होंने 2 नवंबर 1941 को, जब उनकी उम्र 25 साल थी, 7th राजपूत रेजिमेंट जो कि ब्रिटिश इंडिया आर्मी की रेजिमेंट हुआ करती थी, उसको एज अ सिपाही ज्वाइन कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो बर्मा वॉर हुआ था, फेमस बर्मा वॉर, राइट, उसमें उन्होंने बड़ी अदबी के साथ लड़ाई की थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे तब भी। तो रेजिमेंट में उनका नाम चलता था। तो एक बार हुआ यूं कि मज़ेदार किस्सा उनसे रिलेटेड एक शेयर करता हूँ आपसे दोस्तों। हुआ यूं एक बार कि वो मेस में बैठकर खाना खा रहे थे, राइट, अब बैठकर खाना खा रहे थे तो अलग टेबल पे बैठे थे, बाकी जो साथी संगी थे उनके वो अलग टेबल पे बैठे थे और जदुवीर सिंह जी अलग कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे थे टेबल पे। तो वहाँ गोरे साहब पहुँच गए, गोरे साहब ने देखा कि ये आदमी अलग से बैठकर खाना क्यों खा रहा है भाई। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये अलग से खाना क्यों खा रहा है, तो बताया गया कि साहब ये तो प्योर वेजिटेरियन आदमी है और जिस टेबल पे मांस मच्छी सर्व भी होता है ये उस टेबल पे बैठते भी नहीं है। तो गोरे साहब को बड़ा अचंभा हुआ, बोलते ये अगर मांस मच्छी नहीं खाता तो इसमें जान कैसे आएगी, राइट, ये स्ट्रांग कैसे बनेगा, बोले इसको मेरे सामने पेश किया जाए। तो जी अगले दिन सुबह 10 उनकी पेशी लग गई गोरा साहब के आगे। तो गोरा साहब ने पूछा, बोलते जब मांस मच्छी नहीं खाता तो स्ट्रांग कैसे बनेगा तुम्हारे, तब जान कैसे आएगी। यदुवीर सिंह ने बोला, यदुवीर सिंह ने बोला कि साहब जान तो मेरे अंदर वैसे ही बहुत है, राइट, तो मैं रेस्लर आदमी हूँ और मैं मीट मांस नहीं खाता क्योंकि मेरा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं हनुमान भक्त हूँ। उन्होंने बोला तो तू समझता है कि तू स्ट्रांग है। यदुवीर सिंह ने बोला जी हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो बोलते क्या करता है, बोलता तो बोले मैं कुश्ती करता हूँ। तो बोलते मीट खाने वाले को हरा देगा कुश्ती में। उसने बोला साहब मैं आपके आगे एक शर्त रखता हूँ, मैं एक से नहीं 2 मांस खाने वाले रेसलर के साथ रेसल करूँगा और अगर मैंने उन दोनों को पछाड़ दिया तो आप मेरी वेजिटेरियन डाइट डबल करेंगे और अगर वो मुझसे जीत गए तो आप जो कहेंगे मैं वो खाऊंगा। गोरा साहब बोले बहुत मजा आएगा, लेट्स स्टार्ट। तो उनकी रेसलिंग का अरेंजमेंट हुआ, रेसलिंग हुई और यकीन जानिए दोस्तों जो दो टॉप नॉन वेजिटेरियन सेक्शन में रेसलर्स थे उन्हें बुलाया गया और यदुवीर सिंह जी ने उन दोनों को पछाड़ दिया। जो यदुवीर सिंह जी को जो जैसा प्रॉमिस किया गया था उनकी डाइट डबल कर दी जाएगी, जी हाँ उनकी डाइट एक्चुअली डबल कर दी गई थी इस इंसिडेंस के बाद और गोरे साहब ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सो बात अब वापस बैटलफील्ड की करते हैं दोस्तों। नौशहरा की जो बैटल हुई थी उसमें क्या हुआ कि झांगर नाम की एक पोस्ट थी, तो झांगर पोस्ट थी, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन और ये जो पोस्ट थी ये दुश्मन ने कैप्चर कर ली थी और इसे वापस लेना बहुत जरूरी था इंडियन आर्मी के लिए, उसे रिकैप्चर करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज इंडिया वुड हैव लॉस्ट जम्मू एज वेल। तो जो जो दुश्मन की पोजीशन थी इस बैटल में, दे हैड बेटर ट्रूप डिप्लॉयमेंट, दे हैड मोर एमिनेशन, दे हैड मोर ट्रूप्स विद देम और उनके पास एडवांटेजियस पोजीशंस थी सारी। तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इंडिया एक तो प्रिपेयर्ड नहीं था 100% इस बैटल के लिए, बट स्टिल वी वर रिटेलिएटिंग एंड इंडियन आर्मी जो है वो गोलियों या बारूद पर लड़ाई नहीं लड़ती, वो अपने जिगरे पर लड़ाई लड़ती है दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, राइट। इंडियन आर्मी के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि कम वॉट में विल सी इट। तो इसी जज्बे के साथ इंडियन आर्मी पोजिशन संभाले हुए थी। तो जदुनाथ जी को जो टास्क दिया गया था वो था नौशहरा को बचाने का बाय रिकैप्चरिंग द झांगड़ पोस्ट। सो अंडर द
कमांड ऑफ ब्रिगेडियर उस्मान ऑन 1 फरवरी 1948 इंडियन आर्मी की जो 50 पैरा ब्रिगेड थी उस जमाने में, उन्होंने बड़ा अच्छा रिटेलिएशन दिया दुश्मन को। इतना भयंकर फायर पावर में लिया कि दुश्मन जो था वो पूर्ण रूप से तितर बितर हो गया, वो भागा इधर उधर राइट, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी भागने की, तो दुश्मन जो था वो मैदान छोड़ के भाग गया। लेकिन वो भागे मैदान छोड़ के नहीं, उन्होंने क्या किया, अपने आप को इधर उधर तितर बितर करके रीग्रुपिंग करी उन्होंने अपनी, और जो रीग्रुपिंग करने के बाद उन्होंने अपनी प्लानिंग करी, उसमें उन्होंने ये बोला कि हम अब वेव्स में फाइट करेंगे, दे थॉट दे गोना फाइट बैक इन वेव्स। तो जो इंडियन आर्मी थी वो पिकेट्स में बैठी थी, छोटे छोटे पिकेट्स, मैं कहता हूँ, मेरा मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ियों में राइट जगह जगह पर डिप्लॉयड थी। जो जदुवीर सिंह जी थे, जो नायक जदुवीर सिंह जी जो थे, उनके साथ अन्य नौजवान थे अदर रैंक्स थे जो कि एक पिकेट पर बैठे हुए थे। तो दे केम अंडर अ वेरी फियर्स फायर फ्रॉम द एनिमी, और फायर से पहले उन्होंने क्या किया, वो दे एक्चुअली सेट द एरिया ऑन फायर, उन्होंने वहां पे आग लगा दी, और दुश्मन ने सोचा कि वो आग और धुएं की आड़ में दुश्मन को पछाड़ देंगे। पर यदुवीर सिंह जी जो थे वो तो एक तूफान थे, और देखिए यदुवीर सिंह जी को ट्रिब्यूट आ रही है, मौसम भी दे रहा है राइट, तूफान भी चला हुआ है अभी, तो ऐसा ही तूफान यदुवीर सिंह जी अपने आते, तो आग और धुआं तूफान को कैसे रोक सकता है राइट। तो जदुवीर सिंह जी ने बहुत बढ़िया रिटेलिएशन दिया, दुश्मन तो भागा फिर से, जदुवीर सिंह जी ने सोचा कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड नाउ, लेकिन वो फिर दूसरी वेव में आ गए और भी ज्यादा नंबर में, और भी ज्यादा तादाद में, और भी ज्यादा फायर पावर के साथ। अब सेकंड वेव में क्या हुआ, जदुवीर सिंह जी के जो नौजवान थे उनमें से 4 बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन जदुवीर सिंह जी ने हौसला नहीं हारा अपना, और बाकी जो ट्रूप था बचा हुआ उसको मोटिवेट करते हुए फुल फायर पावर के साथ उन्होंने फिर से खदेड़ दी सेकंड वेव, और इसमें उनको खुद भी काफी इंजरीज आ चुकी थी अब तक, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी यूनिट को, अपने कमांड को फोन किया, कमांड को बताया कि साहब ये पोजीशन है, मेरे 4 जवान घायल हो चुके हैं, और भाई दुश्मन वेव्स में आ रहा है, मुझे रेनफोर्समेंट चाहिए, हमारे पास असला भी खत्म हो रहा है राइट। तो जो उनकी यूनिट कमांड थी उन्होंने बोला कि रेनफोर्समेंट्स तो जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी, फिलहाल आपको अकेले इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। जदुवीर सिंह जी ने बोला कि साहब मैं पोजीशन नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पोस्ट को हैंडल करूंगा, होल्ड करूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ, जब तक मेरी सांस में सांस है। और थर्ड वेव आई दोस्तों, और थर्ड वेव के चलते उनके सभी 9 के 9 जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। यदुवीर सिंह जी अकेले अपनी पोस्ट को होल्ड करके रखा उन्होंने, जब तक कि रेनफोर्समेंट पहुंची तब उन्होंने अपना दम तोड़ा, और कहते हैं कि जिस बहादुरी के साथ उन्होंने सैकड़ों की तादाद में आए दुश्मनों को लोहे के चने चबवा दिए थे, वो एक तूफान ही कर सकता है। जैसा मैंने कहा, आज मौसम भी जदुवीर सिंह जी को ट्रिब्यूट दे रहा है, और इसी ट्रिब्यूट के साथ हम आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं दोस्तों। आई होप यू एंजॉयड इट। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिए मेरे दोस्तों। जल्दी ही हम किसी और टॉपिक पर या फिर इसी टॉपिक के अगले पार्ट को लेकर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।